जनपद बुरावाग का ठाऊवार तहसील है और ठाऊवार तहसील से दाकरेजी मेन न्यूज चैनल संवाददाता सगीर रूपचंकी पांडे राजकीय रिपोर्टर। जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनपद मुरादाबाद का ये ठाऊवार तहसील है और ठाऊवार तहसील में ये सोमवार का बयान लगा हुआ है। और ऐसे में देखिए कि लॉकडाउन से लेके अब तक जो मध्यम वर्ग है वो सूली चढ़ गया है और महंगाई ने आसमान छू लिया है। भैया, प्याज के भाव बेच रहे हैं आप? 40 रुपए किलो। अच्छा, आलू क्या भाव बेच रहे हैं आप? 40 रुपए बेच रहे हैं। देखिए, 40 रुपए 50 रुपए किलो जब ये आलू मिलेगा तो आदमी जिसका 8 जनों का खर्च है तो 2 किलो आलू लेने के लिए उसका 80 रुपए लगाने पड़ेंगे। और देखिए, ऐसे में मैं दिखा रहा हूँ, एक भैया है, अक्सर जब मैं आता हूँ तो ये देखिए, मुझे जो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये जो है शकरकंदी और कभी देखिए हरी मिर्चें जब भी सब्जी लेता हूँ तो यानी कि ये मेरे चैनल की और मेरी जो है हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आप ईमानदारी से वीडियोज़ बनाते हो। और देखिए, ये भी बेचारे ऐसे हैं कि अगर किसी पर 1-2 रुपया 2-4 रुपये अगर कम होते हैं तो ये भाई हमारा ये भाई ले लेते हैं। भैया, कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? 40 रुपये किलो मिर्ची नहीं बिक रही है, 10 रुपये पाव बेच रहे हैं, अदरक 10 रुपये पाव बेच रहे, नहीं बिक रहा है जी। इसका कारण भैया, कारण क्या, कारण बताइए, कारण क्या है? कारण जो है, लॉकडाउन जब से लगा है पब्लिक के पास पैसा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, देश देश आबाद हुआ है या बर्बाद हुआ है? बर्बाद हुआ है देश। अच्छा, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोला? इसमें देश का हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई, इसमें किसी का दोष तो नहीं है? किसी का दोष तो नहीं है? तो इसमें देखिए, मेरे हिंदू भाई भी हैं और हिंदू होने के नाते कोई हिंदू अगर लेने आ जाए तो भैया, अगर 40 रुपए किलो आलू है तो क्या 40 रुपए से कम देंगे उनको? 40 रुपए तो वो कम देंगे? अगर मुसलमान भाई हैं और मुसलमान आकर के लेने लगे तो क्या आप 40 रुपए से कम देंगे? नहीं देंगे। इसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। सर, वेलकम है, कुछ बोलना चाहेंगे न्यूज चैनल के माध्यम से? सर, कोई बोलता नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर इस सरकार के अंदर लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, लोग डर रहे हैं और डरते हैं। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया देखिए, आप एक जो है देश का अन्नदाता किसान है, छोटा मजदूर और किसान, आप अन्नदाता हैं, मेरा आपको सैल्यूट है क्योंकि आप देश चला रहे हैं। देखिए, ये सब्जी अगर आप नहीं उगाएंगे, पैदा करेंगे तो देश क्या खाएगा? लेकिन ऐसे में कुछ बोलना चाहेंगे कि देश के हालात क्या हैं? भैया, महंगाई, इस महंगाई से क्या हिंदू परेशान है, मुस्लिम परेशान है या सभी परेशान है? सभी परेशान है। भैया, देश आगे आया है या पीछे हुआ है? देखिए, कोरोना वायरस जैसी संगीत बीमारी ने देश में जब से घेरा डाला हुआ है और लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और दिख हो गए हैं। और देखिए, ये हमारे चचा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, लॉकडाउन से लेकर अब तक देश के क्या हालात? सर, कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई किस कगार पर चला गया है? मध्यम वर्ग का क्या हाल है सर?